देखो, सीटेट में ना दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है आपका थियोरेटिकल बेस्ड, जैसे कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं या वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसको तो आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और दूसरा आता है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। उसमें क्या है ना कि आपको एक सिचुएशन में डाला जाएगा और वहां टेस्ट होता है कि एज अ टीचर आपकी क्या थिंकिंग है, आप कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल बेस्ड है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सिचुएशन बेस्ड के बारे में अगर बात की जाए तो हर इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है। तो एक अच्छे टीचर की क्या पहचान है, वो अगर कोई परिस्थिति उनके सामने आए तो वो बच्चों के लिए क्या करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पता है ये क्या होता है ना कि आपको 75 नंबर्स दिलाएगा, क्योंकि सीडीपी के साथ साथ पेडागॉजी में भी उतना ही यूजफुल है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक देखेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स वर्ड लगा लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो और निगेटिव। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को बहुत ही आराम से इस चीज को टैकल कर सकेंगे, बहुत आराम से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जब टॉपिक एंड होगा फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे, जिससे ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो एनसीएफ थी यानी 2005 में जो हमारी रूपरेखा बनी थी, पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी थी, उसने भी कहा है कि अब की जो शिक्षा व्यवस्था होगी यानी जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड है। इट मींस कि अब जो सर्वे सर्वा जो होंगे वो बच्चे होंगे। पहले क्या था कि बुक ओरिएंटेड होता था या फिर आपके टीचर्स ओरिएंटेड थे, लेकिन अब क्या है कि जो कुछ भी है बच्चे को सेंटर्ड में रखकर ही उनके अकॉर्डिंग, उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग, उनके थीम के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को बनाया जाएगा, करिकुलम बनाया जाएगा। ये कहती है एनसीएफ 2005। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे ही सर्वे सर्वा यानी कि बच्चे ही सर्वशक्तिमान है। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई परिस्थिति में डाला जाए और आपके सामने ऑप्शंस आए तो आप उन्हीं ऑप्शन को सही समझेंगे जिसमें बच्चों की भलाई की बात की गई हो। ठीक है, तो ये आपको एक नंबर दिला देगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टिप्स क्या है कि बच्चे को अपना बच्चा समझना है। इट मीन्स कि हम लोग जो हमारे घर के बच्चे होते हैं या हमारे जो अपने बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे हम लोग सब कुछ बेस्ट चाहते हैं ना कि उनको बेस्ट फैसिलिटीज मिले या फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिले, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, पहली प्रायोरिटी में रखते हैं। तो उसी तरह से आप अपने स्कूल के बच्चों को भी उसी तरह से डील करोगे तो आपके आंसर जो होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है कि बच्चे को सम्मान और प्रेम देना है। वही बात है कि बच्चे को क्या करना है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रखना, उनको किसी तरह से डर नहीं दिखाना, उन्हें भय नहीं दिखाना है। मतलब कि उनके साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करना है कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपके सामने आके आराम से उसको डील कर सके या आपके सामने शेयर कर सके, बट इतने भी फ्रेंडली नहीं होने चाहिए कि वो आपके कंधे पर हाथ रख ले, एक बीच में एक लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक को अगर आप तो ध्यान में रखोगे तो बहुत आराम से क्वेश्चंस बनते जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, जिस भी ऑप्शंस में निगेटिव वाइब्स मिले उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो, वो आंसर कभी सही हो ही नहीं सकता है। मतलब जिस चीज में आपको लग रहा है कि नहीं ये बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं, अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है एज अ टीचर, अगर आप बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि ये एक बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो वैसे जहां पे भी आपको निगेटिविटी दिख रही है तो वैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दो, वो आंसर आपके सही नहीं होंगे। फिर देखो, नेक्स्ट बहुत अच्छा पॉइंट है कि उपरोक्त सभी जैसे ऑप्शन पर फुल फोकस करना है। जैसे देखो, एक सिचुएशन है जिसके चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपको तीनों सही लग रहा है, तीनों में आपको पॉजिटिव 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 वाली वाइब आ रही है और लास्ट ऑप्शन दे रहा है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव, तो ऐसे क्वेश्चंस के ज्यादातर चांसेस होते हैं सही होने के, तो इनको आप जरूर से फोकस करना। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट ये वाला जो लाइन है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। मैथ में हम सब जानते हैं माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है यानी पॉजिटिव होता है, तो इसको समझो ये कैसे आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किसी भी क्वेश्चंस में, कोई भी अगर सिचुएशन वाले क्वेश्चन में नहीं है, जैसे कि सपोज करो इसमें से क्या सही नहीं है या इनमें से क्या गलत है और चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में भी वन बाय वन आप उन ऑप्शन को प्रायोरिटी दोगे जिस जो कि निगेटिव में है। मतलब अगर क्वेश्चन निगेटिव में है तो उसके आंसर भी निगेटिव में होने चाहिए, तो माइनस माइनस आपको एक नंबर दिलाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स को देख लेते हैं, जिसको अगर आपने समझ लिया या आपने बहुत अच्छे से उसको डील किया तो बहुत आराम से क्वेश्चन को लगाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एंड में कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे जिससे कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
देखो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे टैग वर्ड हैं। इसको देखते के साथ ही जहां भी आपको ऑप्शन में ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे तो समझ जाओ कि आपका काम बन गया। तो चलो पहले हम लोग कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स को देख लेते हैं। निगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसको देख कर ही हमें निगेटिविटी मिले, जो कभी भी सही नहीं हो सकते। जहां भी ऐसे कुछ वर्ड मिले उस ऑप्शन को फटाक से उड़ा दो, खत्म कर दो। पहला क्या है, पुस्तक, शिक्षक या पाठ्य केंद्रित। ठीक है, ये निगेटिव वर्ड है। अभी हम लोग जान रहे हैं कि पुस्तक यानी कि बुक हो गया, या टीचर हो गया, या करिकुलम सेंटर्ड, अगर ऐसा ऑप्शन है तो ये कभी सही नहीं हो सकते। जहां भी ये वर्ड आए क्वेश्चन में, इसका मतलब उसको तुरंत एलिमिनेट करना है, ये आपका निगेटिव है। नेक्स्ट है आपका खाली स्लेट यानी ब्लैंक पेपर या कोरा कागज। देखो अक्सर सबको बोलते हुए सुना गया है, या खास करके टीचर्स को, कि बच्चे क्या कोरे कागज के समान है, या क्या है खाली स्लेट के समान है। क्यों भाई, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ पहले से अनुभव होता है ना। उनके पास एक अपनी भाषा होती है, वो अपने घर में कोई ना कोई भाषा तो बोलते हैं ना, उनकी मातृभाषा होती है। तो वो स्कूल जब भी आते हैं तो वो मातृभाषा को तो लेकर आते हैं, हर चीजों का बेसिक कुछ ना कुछ तो नॉलेज वो लेकर ही आते हैं, होता है ना। आजकल के बच्चे तो और भी एडवांस हो गए हैं, उन्हें मोबाइल की जानकारी, टेक्नोलॉजी की जानकारी हो गई है। या उनसे पूछो अगर कि बच्चे आप कहाँ रहते हो, या आपके आईज कहाँ पे, नोज कहाँ पे, एकदम बेसिक बच्चे है ना, वो भी बता देते हैं। तो वो कोरे कागज कहाँ से हुए, उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर है। तो जहां पर भी ये खाली स्लेट वर्ड दिखे वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, रटने पर जोर यानी कि रोट लर्निंग। बच्चे को आप कभी भी रटने पर जोर नहीं दे सकते हो, जहां आपने दिया ये आपका निगेटिव है, यानी आप एक अच्छे टीचर नहीं हो। और एनसीएफ भी कहती है कि बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना है। ठीक है, तो जहां भी ये वर्ड दिखे रटने पर जोर देना, इसके बजाय आप उनको समझाने की कोशिश करो। बच्चे को परिभाषा याद करा दिया, बच्चे ने एकदम रट दिया एकदम पूरा, कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और वो सीपीयू क्या है, कंप्यूटर क्या है, वो समझ ही नहीं रहा है, तो आपका पढ़ाना बिल्कुल भी बेकार हो गया। तो जहां पर भी ये वर्ड देखे उसको एलिमिनेट करो, वो ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है सजा, दंड या कठोरता, मतलब कि पनिशमेंट। बच्चों को आप सजा नहीं दे सकते हो, आप उन्हें किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। अगर आपने ऐसा किया ना तो आज के टाइम में कमिटी आपको पनिश कर सकता है, आपको स्कूल से सस्पेंड भी कर सकता है, या स्कूल से फायर भी कर सकता है। तो आप बच्चों को नहीं, किसी तरह से आप मानसिक या शारीरिक तौर से प्रताड़ित बिल्कुल नहीं कर सकते, इसको आप ध्यान में रखना। तो हम बच्चों को पनिश नहीं दे सकते, बच्चे को पनिश नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है हतोत्साहित करना, मतलब डिस्करेज करना। कोई कोई ऐसे टीचर होते हैं ना जो बात बात पे बच्चों को ये बोलते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो, अरे तुम क्या करोगे। तो इस तरह के सेंटेंस को सुन के बच्चे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे लफ्ज़ का आप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये वाला वर्ड भी आपके लिए निगेटिव टैग वर्ड का काम करते हैं। नेक्स्ट है रोजगार, उच्च ग्रेड या अंक। ठीक है, ये भी अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो इसका मतलब कि वो निगेटिव है। उस क्वेश्चन को आपको, मतलब उस आंसर को आपको एलिमिनेट करना है। मतलब बच्चे को आपको सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ाना है। ऐसे क्या हो जाएगा, बच्चे तो होता है ना कि आपके पीछे पीछे बस चलने लग जाएंगे, कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, टीचर के चमचे बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस अच्छे नंबर पाकर मेरा काम बन गया। तो नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे ऑप्शंस को आप तुरंत एक्सक्लूड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। आप बच्चों को सिर्फ नंबर के बेसिस पे या अच्छे मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आपका टैग क्या है, निष्क्रिय यानी कि पैसिव लर्नर्स। जहां पर भी ये लफ्ज दिखे आप उसको आराम से एलिमिनेट करो, क्योंकि निष्क्रिय नहीं, बच्चे क्या होते, निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होते, वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और जहां पे वो सीख ही नहीं रहे, इसका मतलब वहां पे अधिगम ही नहीं हो रहा है ना। तो जब बच्चे का अधिगम ही नहीं हो रहा तो बच्चे स्कूल में कर क्या रहे, या एज अ टीचर आप पढ़ा क्या रहे हो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है परिभाषा, स्मरण या व्याख्या करना, मतलब डेफिनेशन। अभी हमने जाना कि आप बच्चों को रटाना नहीं है, कोई चीज को याद करने पर जोर मत दो, या परिभाषा को डिफाइन करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझाने की कोशिश करो, ना कि उन्हें पूरा याद करके, क्योंकि याद किया हुआ चीज क्या है, कुछ वक्त में भूल जाएंगे बच्चे, तो क्या फायदा हुआ आपके पढ़ाने का। तो इसलिए आप उनको याद करने पर जोर नहीं दो। और व्याख्या, व्याख्या का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, लेक्चर देना। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, वो कॉलेज में नहीं, लेक्चर जो होता है, लेक्चर प्रोसेस, वो कॉलेज की चीज़ है।
कि टीचर आए, मतलब प्रोफेसर आए, उन्होंने लेक्चर दिया और हो गया। आप बच्चों को समझाओ ना कि लेक्चर दो, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तुलना या भेदभाव, मतलब कि दो बच्चों में कंपेयर करना या उनके बीच में डिफ्रेंसिएशन करना, ये बिल्कुल ही गलत है। देखो, एक स्कूल में या एक क्लास में हर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, या कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ बहुत ही मतलब बिलो एवरेज होते हैं, कुछ एबव एवरेज भी होते हैं। तो आप उन बच्चों के बीच में कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि बच्चों को सबको साथ में लेकर चलना, एज अ टीचर सबसे अच्छे टीचर की पहचान होती है वो हर तरह के बच्चों को एक साथ लेकर चले, एक तरह से पढ़ाए। तो दो बच्चों के बीच में कंपेरिजन बिल्कुल नहीं। तो जहां पर भी ये तुलना शब्द आए या भेदभाव शब्द आए, समझो कि वो निगेटिव है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता, मतलब कि जेंडर बायस्ड। देखो, कोई कोई ऐसे टीचर होते हैं जो बिल्कुल जेंडर बाइस्ड होते हैं, जैसे कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या कुछ लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। स्कूल में होता है ना कि स्पोर्ट है या कोई गेम्स का है तो वहाँ पे लड़कों को भेज दिया, या फिर डांसिंग का क्लास है तो वहाँ पे लड़कियों को भेजा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं आप लड़के और लड़कियों में पक्षपात कर रहे हैं, उनमें विभेद कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी नहीं सही है। और ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं है, ये बल्कि एक रियल लाइफ में जो सोसाइटी के लिए भी बहुत ही गलत है। जैसे एक आम धारणा बनी हुई है ना कि पिंक कलर बस लड़कियों का ही है। क्यों भाई, लड़कों का पिंक नहीं हो सकता है क्या फेवरेट? हाँ, या फिर लड़के अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं, या वो रो नहीं सकते हैं, या लड़कियां स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, वो प्लेन नहीं उड़ा सकती हैं। ये सब क्या होता है ना, कि मानसिक धारणाएं जो समाज में बन गया है, जिसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच, तो ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल ही निगेटिव है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको लैंगिक असमानता शब्द दिखे उसको आप तुरंत हटा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक पुरस्कार। भौतिक पुरस्कार क्या है? देखो, स्कूल में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा कंपटीशन करवाया जाता है ना, या एनुअल डे होता है, स्पोर्ट डे होता है, वहाँ तक ठीक है। बच्चों को उसमें जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्राइज मिलता है, शाबाशी मिलती है, जिससे वो और अच्छा करने के लिए इनकरेज हो, है ना। लेकिन अब बात पीछे, हर बात पर उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, बच्चे कहीं ना कहीं लालची हो सकते हैं। उनको लगेगा अरे हमको ये अगर ये काम कर दिया तो मुझे तो ये चीज़ मिलेगी, मुझे तो पेन मिलेगा, मुझे चॉकलेट मिलेगी, या कुछ भी। तो इससे बच्चे क्या है ना, कि सीखने के लिए वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ उस इनाम को पाने के लिए उस काम को करना चाहेंगे। तो ये इससे क्या होगा, अधिगम प्रभावित होगा। तो जहां पर भी भौतिक पुरस्कार आए, अवार्ड देने मतलब हाँ अवार्ड देने की बात आए, तो वो आपका निगेटिव यानी नकारात्मक शब्द होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। देखो, अनुशासन तो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्कूल में नहीं, हर एक जगह, हर एक फील्ड में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी एक लिमिट में होना चाहिए। अब क्लास में इतना भी कठोर अनुशासन नहीं हो जाए कि बच्चे कुछ पूछने से डरें या कुछ बोलने से हिचकिचाएं, तो ये भी एक लिमिट में होना चाहिए। तो जहां पर भी अनुशासन शब्द आए, ये भी आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो जहां पे आए तो इसको आप उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करो, हटा दो। और लास्ट में ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो जितना छोटा शब्द उतना ही ज्यादा फायदा। जहां पर भी शब्द दिखे ऑप्शन में, केवल, मात्र, ओनली या ही, समझो वो निगेटिविटी से भरा हुआ है। जैसे बोला जाएगा कि क्लास में केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, ठीक है, केवल पढ़ने वाले बच्चे ही, ऐसे वाला। तो इस तरह से क्या होता है, केवल या ही, ये सब शब्द क्या होता है, आपको निगेटिव से भरा हुआ होता है। ऐसे ऑप्शंस को आप बिल्कुल हटा दो। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। निगेटिव समझ में आया, तो अब हम लोग कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देख लेते हैं। देखो, पहला है बाल केंद्रित। तब से हम लोग कह रहे हैं कि एनसीएफ ने कहा है कि बच्चों पर आधारित होनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ही बात हो रही है। तो जहां पर भी बाल केंद्रित शब्द आए, वो आराम से आपका पॉजिटिव वाला टैग वर्ड है, आप उसको आराम से पॉजिटिव में लो, हाँ में लो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। देखो, जब बात बच्चों की हो रही है तो जाहिर सी बात है बच्चों के हम लोग विकास की बात करेंगे, और विकास कहना होना चाहिए सर्वांगीण, मतलब हर एक फील्ड में, हर एक एस्पेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, है ना। हर एस्पेक्ट में अगर बच्चे डेवलप कर रहे हैं तो इट मीन्स कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चे की लर्निंग हो रही है। तो जहां पर भी ऑप्शन में सर्वांगीण विकास हो, वो आपके लिए सही है।
पॉइंट है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है कि एक छत के नीचे, मतलब विद्यालय के एक छत के नीचे हर प्रकार के बच्चों को शिक्षा देना, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, चाहे वो किसी डिसऑर्डर से पीड़ित हों, या फिर हेल्दी बच्चे हों, प्रतिभाशाली हों, हर तरह के बच्चों को एक स्कूल में एक जगह पर शिक्षा देने की व्यवस्था। तो ऐसे स्कूल को कहेंगे समावेशी शिक्षा। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की नीड को समझना समझेंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट, आप बच्चे के विचार को, उनके थॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, है ना, ये भी एक पॉजिटिव है बच्चे के, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उनके दिमाग में कई तरह तरह के विचार आते हैं, तो इसको आप इनकरेज करोगे। नेक्स्ट, नामी ये प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना हर एस्पेक्ट में, चाहे बच्चे की रुचि हो, चाहे बच्चे की नीड्स हो, है ना, इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज़ में बच्चों को इनकरेज करोगे। देखो, क्लास में आपको इतना ही कह देना, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, वेल डन, अप्रिसिएशन देना, या फिर क्या है कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो सबके सामने उनकी क्लैपिंग करवाना, ताली बजवा देना। तो ये सब छोटे छोटे वर्ड्स या छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बच्चों में इंकरेजमेंट का काम करती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है और अच्छा करने के लिए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज। आप बच्चों को जितना ज़्यादा मौका दोगे, जितना ज़्यादा अवसर दोगे, बच्चे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, सीखने के लिए उतना ही ज़्यादा ललाहित होंगे, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखो, नेक्स्ट वर्ड है सक्रिय, एक्टिव लर्नर्स। जाहिर सी बात है, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखने ही आते हैं, तो वो क्या है, निष्क्रिय तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। तो जहाँ पर भी वर्ड दिखे सक्रिय, वो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका मातृभाषा यानी कि मदर टंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जब बच्चे घर से स्कूल की ओर आते हैं, स्कूल में कुछ सीखने आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने घर की भाषा, अपनी मातृभाषा लेकर आते हैं, और बच्चों को चाहिए, खास करके प्राइमरी स्टेज के बच्चों को चाहिए कि उनको उनकी मातृभाषा में ही सिखाया जाए। अब बच्चे सपोज करो कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, है ना, कोई गुजराती जान रहे हैं, या फिर मराठी जान रहे हैं, या उनकी भोजपुरी पर पकड़ है, एक एग्जाम्पल, और स्कूल है इंग्लिश बेस्ड। अब बच्चे स्कूल में आए और आते के साथ वहाँ इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया, तो बच्चे वहाँ पे कभी नहीं सीख पाएंगे, उनका अधिगम बहुत ज़्यादा रुक सकता है, रुकावट आ सकती है उसमें। इसलिए प्राइमरी स्टेज के बच्चे को जितना हो सकता है उनकी मातृभाषा में ही सिखाया जाना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको मातृभाषा शब्द दिखे, वो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअल। देखो, ये बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, बहुभाषिकता, जहाँ आपके एक ही स्कूल या एक ही क्लास में अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे पढ़ते हों। अब देखो, उससे क्या होगा, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो लोग क्या करेंगे, अपनी कल्चर को या अपनी भाषा को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। तुम मेरी भाषा सीखो, हम आपकी भाषा सीखते हैं, साथ ही साथ टीचर्स भी कुछ नई नई चीज़ों को सीखेंगे, तो इससे उनका अधिगम तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुभाषिकता हमेशा पॉजिटिव वर्ड का काम करेगा, ये ध्यान में देना है। देखो, नेक्स्ट वर्ड है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। देखो, हर बच्चे में कोई ना कोई क्रिएटिविटी छुपी होती है, बच्चे क्रिएटिव होते ही होते हैं, और एक सही टीचर की ज़रूरत होती है कि उन्हें सही टाइम पर पहचान कर उन क्रिएटिविटी को बाहर निकालें, ये एक अच्छी टीचर की पहचान है। तो जहाँ पर भी आपको क्रिएटिविटी शब्द दिखे या सृजनात्मकता शब्द दिखे, वो आपका पॉजिटिव है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्रिएटिविटी यानी बच्चों को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। जाहिर है, इंडिया आपका डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ के हर बच्चे को आज़ादी है, वो जैसे चाहे वो पढ़ सकते हैं अपनी रुचियों के हिसाब से, उन पर कोई तरह की बंदिश, कोई तरह का हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो ये लोकतांत्रिक शब्द भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विभिन्न संदर्भ में, इन इंग्लिश इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ये आपको जहां दिख जाए विभिन्न संदर्भ में, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, इसको आप ध्यान देना। विभिन्न संदर्भ में, हर संदर्भ में, हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में, तो ये आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि बच्चे का हम नाम ही होता है सर्वांगीण विकास करना। हमारा एज ए टीचर यही काम है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, तो जब उनको विभिन्न संदर्भ में, अलग अलग कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा या समझाया जाएगा, तो बच्चे की लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है त्रुटि, गलतियां या एरर। देखो, ये सब कहने को तो निगेटिव लगता है, लेकिन अगर बच्चे अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं,
उनकी जो लर्निंग है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो ये तो हम एज ए टीचर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर बच्चे अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से या अपनी एरर से कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तब माना जाएगा कि वहाँ पे लर्निंग सही हो रही है, तब वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अन्वेषण, चिंतन या तर्क। देखो बच्चे जो होते हैं वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, है ना। तो अगर वो तरह तरह से किसी क्वेश्चन को या किसी सॉल्यूशन के लिए अलग अलग तरह से चिंतन कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा, मतलब बच्चे उस चीज में अपनी रुचियों को बता रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, तो इसको भी हम मानेंगे कि ये पॉजिटिव है। तो जहां पर भी अन्वेषण मतलब खोज, खोज का मतलब क्या होता है कि बच्चे खुद से करके सीखे। आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपने बच्चे को दिया कि ताजमहल के बारे में 10 लाइन लिख कर लाना है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, घर जाएंगे, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे या फ्रेंड से पूछेंगे या उससे रिलेटेड गूगल करेंगे या और भी कुछ चीज़ों, बुक्स का हेल्प लेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे खुद से कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग जो होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, ये आपके लिए सही है। तो जहां पर भी आपको खोज मिल जाए, अन्वेषण मिल जाए, चिंतन करना, बच्चे अगर चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तब वहां पर आपकी पॉजिटिव लर्निंग होगी। नेक्स्ट वर्ड है संसाधन के रूप में। जहां पर भी आए कि बच्चे को संसाधन के रूप में माना जाता है, सोर्स के रिसोर्स के रूप में माना जाता है, तब भी आपका ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखो, जिज्ञासा या प्रश्न पूछना। अभी हमने जाना कि बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, यानी कि क्यूरियस होते हैं, और अगर वो टाइम टू टाइम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको वहां पे इरिटेट नहीं होना, क्योंकि बच्चे इट मीन्स कि उन चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जहां आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको झल्लाना नहीं है, उन्हें डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव वे में लेना है, इसलिए ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। नाम से ही अब आप कोई बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हो, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है, अर्थहीन है, तो क्या मतलब सिखाने का। तो जहां पर पॉजिटिव हो रही है लर्निंग, पॉजिटिव हो रही है, बच्चे को सीख रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टैग वर्ड। आपको जहां पर भी वर्ड दिखे अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, तो उसको आप पॉजिटिव टैग वर्ड की तरह लेना, उस क्वेश्चंस को आप जरूर इंक्लूड करना। नेक्स्ट है वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी आप बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हो तो उनका डे टू डे लाइफ में, यानी डेली लाइफ में अगर बच्चे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तब आपकी अधिगम सार्थक है, आप बच्चों को यानी कि सही शिक्षा दे पाए। जैसे देखो मैथ पढ़ाया गया, मैथ में आपने बताया CPSP है, डिस्काउंट है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, मार्केट गए, वहाँ उन्होंने चीज़ों को समझा, तो वो वहाँ उस चीज़ का इंप्लीमेंट करेंगे अपनी डेली लाइफ में। पढ़ा उन्होंने क्लास में, लेकिन इंप्लीमेंट कहाँ किया, डेली लाइफ में। तो इस तरह से अगर बच्चे अगर किसी भी चीज़ को, स्कूल में पढ़ी हुई शिक्षा को, कुछ भी टॉपिक्स को अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तब यहाँ पे लर्निंग जो है वो पॉजिटिव होगी, और एज अ टीचर आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो जहां पर भी ये वर्ड आपको दिखे, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आप उसको आराम से इंक्लूड कर सकते। नेक्स्ट है विविध गतिविधियां, वही बात है, ये भी पॉजिटिव है, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज कराना। फिर है आपका परस्पर संबंधित, जब दो चीजें आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है, इंटर रिलेटेड होती हैं, तब वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड का काम करती है, ये भी अगर आपको जहां दिख जाए मतलब वो सही है। फिर है करके सीखना, देखो आजकल के बच्चे को जितना ज्यादा करने की मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो जितना ज्यादा खुद से करेंगे उतना ज्यादा ही वो सीखते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है गतिविधियां, जैसे कि नाटक हो गया, भ्रमण हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आजकल क्या होता है, साल में एक बार पिकनिक होती है ना, बच्चों को कहीं टूर पर ले जाया जाता है, तो इससे क्या, टूर का मतलब क्या, बस उनको मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी जगहों पे ले जाया जाता है जहाँ का कुछ महत्व हो, है ना, तो उससे भी बच्चे सीखते हैं, तो जहाँ पर भी ये वर्ड आए वो भी आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सहपाठी, सहपाठी शब्द है जिसको इंग्लिश में कहेंगे पीयर लर्निंग, है ना, तो ये भी आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों के साथ बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से सीखते हैं, बच्चे भी इसमें बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये भी आपका सहपाठी भी वर्ड दिखे तो वो आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट होता है पोर्टफोलियो, यानी डायरी में बच्चे का रिकॉर्ड, ये क्या है, देखो पोर्टफोलियो को समझो, ये पेडागॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें एक डायरी होती है, ठीक है, जिसमें बच्चों का सारा लेखा जोखा या रिकॉर्ड होता है, जैसे कि हर स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं सबकी एक पर्सनल डायरी बनी होती है, उसमें क्या होता है, उनके नाम या उनके एड्रेस, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, किस चीज़ में वो अच्छे हैं, किस चीज़ में वो अच्छे नहीं हैं,
उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, हर तरह की चीज़, मतलब एक तरह से बच्चों के बारे में सारा कुछ लिखा होता है। तो अब क्या है, वो डायरी बन गई, तो उससे कितना हेल्प हुआ। अब जब बच्चे न्यू मतलब नए क्लास में गए, न्यू सेशन में गए, तो वो डायरी उस क्लास टीचर को दे दी जाती है, तो उनके लिए कितना हेल्पफुल हो गया ना, बच्चों को समझना कि ये बच्चे अच्छा इनका ऐसा है। तो इस तरह से बहुत ही पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। ये चीज़ जहाँ भी आए इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं करना। पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट देखो, इसको पहले इसको समझो, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल। ठीक है, आजकल बच्चों को जितना ज़्यादा देखकर या फिर सुनकर सीखने में मज़ा आता है, उतना कहीं नहीं, उतना पढ़ के भी नहीं। इसीलिए आजकल क्या होता है, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर से या स्मार्ट क्लासेस करवाई जाती है, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है निदानात्मक। निदानात्मक क्या होता है कि किसी समस्या, बच्चे में कोई समस्या आई तो उस समस्या को पहचानना कि आखिर ये समस्या आई क्यों, ऐसी क्या कमी रहती है कि बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाए, और फिर उसका सोल्यूशन देना, इसको कहते हैं निदानात्मक। तो ये भी आपका बहुत ही पॉजिटिव, एक अच्छे टीचर की बहुत अच्छी पहचान होती है कि बच्चे की समस्याओं को समझे और सही टाइम पर सही दिशा में उसको सोल्यूशन दे। और एक ये देखो, मुक्त अंक वाले प्रश्न यानी ओपन क्वेश्चन। ये क्या होता है इसको समझो, देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक मुक्त अंक और एक होते हैं बंद। मुक्त वाला क्या होता है, जैसे देखो अगर आप बच्चों से पूछोगे, क्लास में बच्चों से पूछोगे कि भारत देश के बारे में अपनी अपनी राय बताओ, तो सारे बच्चे के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे, हर बच्चे कुछ कुछ बताएंगे, कुछ कुछ बताएंगे, है ना, तो कितने टाइप्स के लाइन मिल जाएंगी हमें। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भारत देश की राजधानी क्या है, तो पूरा क्लास कहेगा, एक ही जवाब देगा, दिल्ली है। तो इससे क्या हुआ, उस बच्चे का ग्रोथ तो नहीं हुआ, क्योंकि ये रटा रटा आया, बच्चे कहीं से रट सकते हैं या सुनकर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे वही पूछोगे कि एक गाय पर निबंध लिखो, तो बच्चे क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपने, बहुत अलग अलग तरह के अपने 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 विचार रखेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका कहीं ना कहीं तार्किक चिंतन बढ़ेगा। तो इसी को कहते हैं मुक्त अंक वाले प्रश्न यानी ओपन क्वेश्चन। तो ये भी आपका बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो ये सब कुछ टैग वर्ड्स है, जहां भी ऑप्शन में दिखे तो आप समझ में आया होगा कि कैसे डील करना है। अभी देखो यहाँ पर, इसके अलावा देखो प्याजे, इनसे रिलेटेड जैसे ही वर्ड आए, खोज, सक्रिय, जिज्ञासु, अन्वेषण या वैज्ञानिक, ऐसे शब्द जहां भी आए तो समझो ये प्याजे जी ने कहा। जीन प्याजे, उसकी वीडियो बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो उन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, तो अगर कभी सिचुएशन बेस्ड में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और ये सब शब्द देखने को मिल जाए, तो ऑटोमेटिक समझ जाना ये जीन प्याजे का, और सारा का सारा पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। फिर उसी तरह से वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, जो कि रूस के रहने वाले हैं, इनका क्या है, इनका जहां सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द दिख जाए, समझ जो आंख बंद करके, वो वाइगोत्स्की जी ने कहा है। और इन्होंने क्या कहा कि जो भी चीजें होती है वो परस्पर अंतःक्रिया, मतलब समाज और सांस्कृतिक संस्कृति की परस्पर अंतःक्रिया से चलती है। तो ये शब्द भी है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। फिर है बुद्धि। बुद्धि से रिलेटेड क्या है, बहुआयामी होती है, मतलब मल्टी डायमेंशनल होती है, और एक समूह में होती है, मतलब स्वतंत्र होती है लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो ये शब्द भी आपको देखने को मिले, तो ये पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किन टैग वर्ड को एक्सक्लूड करना है और किसको इंक्लूड करना है। इसको देखकर आप बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट जो भी है बहुत ही क्लियर हो जाए, और आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको रिप्लाई देते रहना, आंसर बताते रहना। देखो सबसे पहले क्या है कि एक क्वेश्चन है कि आपके विचार से शिक्षा तभी सार्थक होगी। एक टीचर से पूछा जाएगा कि अगर आपके विचार से शिक्षा कब सार्थक होगी, जब वो क्या छात्र केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। अभी हमने जाना कि पाठ्य पुस्तक वर्ड ये क्या आपका निगेटिव टैग वर्ड है, जहां पे भी पाठ्य पुस्तक आए ये नहीं हो सकता, यानी ये निगेटिव है। रोजगार की बात हो रही है, ये भी आपका निगेटिव है। समाज केंद्रित, देखो समाज पॉजिटिव वर्ड जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉजिटिव क्या है, छात्र केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित, ये क्या है आपका पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका खत्म, टाटा बाय बाय, ये आपका क्या हो गया सही। यानी कि जब शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वो शिक्षा क्या हो, छात्र केंद्रित हो यानी बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कक्षा में शांत वातावरण रहेगा, यानी कि आपके क्लास में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है तो आप वहां पे क्या करोगे, शांत वातावरण के लिए क्या करोगे। पहला,
कठोर अनुशासन, देखो जहां पे भी वर्ड आया अनुशासन, ये आपका क्या हो गया निगेटिव, यानी ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मनोरंजक कहानियां सुनाकर। अब आप मैथ के क्लास ले रहे हो, वहां बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं और आप अचानक से उनको कहानियां सुनाना स्टार्ट करोगे, इससे क्या होगा, बच्चों के अधिगम होंगे, नहीं होंगे ना, तो ये भी आपका निगेटिव है। बस कहानियां सुनाकर बच्चों को शांत नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है अध्यापक छात्र के परस्पर सहयोग से, देखो शब्द आया ना परस्पर सहयोग। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं केवल छात्रों का सहयोग हो। देखो अगर छात्रों का सहयोग हो तब तो यह सही है, लेकिन यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड आ गया केवल, और केवल क्या है आपका निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये सही होगा जब टीचर और लर्नर यानी कि स्टूडेंट और टीचर के परस्पर सहयोग से कक्षा का वातावरण बहुत ही शांत रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो विद्यार्थी के भाषा संबंधी क्रमिक विकास के आकलन के लिए आप किस पर निर्भर होंगे, यानी भाषा संबंधी लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इसके आकलन के लिए आप क्या करोगे, मौखिक कार्य करवाने पर, बस मौखिक कार्य करवाया जाएगा तो बच्चे का पता कैसे चलेगा कि वो लिखित में यानी कि व्याकरण में अशुद्धि कर रहे हैं कि नहीं, ग्रामेटिकली एरर हो रहा है उनमें नहीं, तो ये भी आपका निगेटिव है। नेक्स्ट है कक्षा कार्य के अवलोकन पर, बस कक्षा कार्य करवा दो और बाकी बाहर में वो क्या कर रहे हैं उससे लेना देना नहीं, तो ये भी आपका क्या है निगेटिव है। नेक्स्ट है होमवर्क के अवलोकन पर, आप होमवर्क दे रहे हो, आपको क्या पता है वो दोस्त से चीट करके लिख रहे हो, घर में पेरेंट्स से करवा रहे हो, अपने बड़े भाई बहन से करवा रहे हो, तो इससे तो पता नहीं चलेगा कि उनका विकास सही से हो रहा है कि नहीं, तो ये भी निगेटिव है। तो और चौथा ऑप्शन क्या है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, बिल्कुल सही, पोर्टफोलियो अभी हमने जाना कि पोर्टफोलियो क्या होता है, एक लेखा जोखा होता है जिसका आकलन करके हम बच्चों का बहुत अच्छे से उनका अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों की शिक्षा में आवश्यक है, ठीक है, पहला गलत कार्य पर दंडित किया जाए, आ गया दंडित वर्ड निगेटिव है, बच्चों को हमको दंड बिल्कुल नहीं देना है। बी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बिल्कुल सही, सर्वांगीण विकास मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ये सही है। दूसरा देखते हैं बच्चों को अच्छे अंक से पास किया जाए, अच्छा अंक, बच्चों को अच्छा अंक देने से कोई मतलब नहीं है, केवल अवसर प्रदान करके, देखो अगर बात रहती सिर्फ अवसर प्रदान करके तो अवसर प्रदान करके अपॉर्चुनिटीज देकर तब तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया वही केवल, तो केवल अवसर प्रदान करके तो बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो यानी कि बच्चों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ सीटेट के किसी ना किसी ईयर में आया हुआ है, तो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट सीडीपी या पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर लगाओ मेरे साथ साथ। नेक्स्ट पूछ रहा है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और पुर्जे देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो दिमाग में आया ना कि इरफान क्या है क्रिएटिव है, कहीं ना कहीं जिज्ञासु है, उसको एक क्यूरियस माइंड का है कि देखे जरा कि इसको तोड़ ताड़ के ये अंदर से कैसा है या कैसे ठीक करेंगे, तो क्यूरियस है। तो आप क्या करोगे एज ए टीचर, आप क्या करोगे, देखो ये सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन उस पर हमेशा नजर रखेंगे, हमेशा नजर रखने से क्या होगा बच्चे के ग्रोथ तो नहीं होगी, तो ये आपका निगेटिव है। नेक्स्ट है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए, खिलौनों को नहीं तोड़ेगा तो वो किसी और चीज को तोड़ना स्टार्ट कर देगा, तो ये भी आपका निगेटिव है। फिर है कि उसे खिलौने से खेलने ही नहीं देंगे, बच्चे को खिलौने से खेलने नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ये भी आपका निगेटिव हो गया। ऑप्शन डी क्या है जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित कर ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया प्रोत्साहित करना, जिज्ञासु स्वभाव, तो ये आपका क्या हो गया यानी बच्चे का जो जिज्ञासु स्वभाव है उनका क्यूरियस नेचर है उसको हम इनकरेज करेंगे और जो ऊर्जा है उसको सही डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ से एक बात ध्यान में आती है कि देखो क्लास में कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो जिनमें एंगर इशू होता है, मतलब बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत जल्दी किसी बात को लेकर गुस्सा आ जाता है उनमें, तो अगर एक अच्छे टीचर पता है क्या करेंगे उसको परिमार्जन कर देंगे, मतलब उसको मॉडिफाई करके ना किसी अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे, क्योंकि गुस्सा को अगर जहां तक कंट्रोल करवाया जा सकता है वहां तक तो ठीक है, बट सपोज करो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उन्हें किसी स्पोर्ट में लगा सकते हैं, है ना, उससे क्या होगा अपना वो सारा एंगर उस स्पोर्ट में दे सकते हैं, या उनको डांस के थ्रू या कुछ ऐसे काम में जिनका एंगर उनका ट्रांसफर हो जाए किसी और डायरेक्शन में, तो जिससे क्या होगा कि उनके हेल्थ इशू भी सही रहेगा और लर्निंग भी होगी, ये एक अच्छे टीचर की पहचान होती है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, वाह ये कथन गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। चलो ऑप्शन देखते हैं, सही हो सकता है कभी भी सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, किसी भी पक्ष के लिए सही नहीं है, ऐसा सोचना भी बेकार है।
नेक्स्ट है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। बिल्कुल, ये जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जेंडर बायस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका सही हो गया। फिर भी देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की तुलना में बलवान होते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में बहुत अधिक ताकतवर होते हैं या बलवान होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बायस्ड क्वेश्चन है, इसको दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। देखो ये हमने, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस वाला, कैसे इसको बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन क्या आपका निगेटिव, इसमें सत्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। पहला, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, सभी बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल हर बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्कूल व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती है, एकदम सही बात है, चाहे स्कूल में हो, बाहर हो, घर में हो, समाज में, हर जगह, इवन अभी हम लोग जो कि मैच्योर्ड हो गए, हम लोग भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, देखो यहाँ पे कौन सा पढ़ा गया है, ही, एक ही तरह से सीखते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सार्वभौमिक हो, किसी भी स्तर पर एक ही तरह से कोई नहीं सीख सकता है, तो ये ही वर्ड आपको क्या हो गया, निगेटिव। तो देखो ये नहीं, तो जब जहां पर क्वेश्चन था नहीं में, तो ऑप्शन भी हम लोग नहीं, यानी चोर चोर मौसेरे भाई बोलते हैं ना, तो नहीं नहीं मिला के आपको, ये देखो नहीं नहीं मिला के आपको एक नंबर दिला देगा, समझे, ये पॉजिटिव का काम करेगा, मतलब माइनस और माइनस इज इक्वल टू प्लस बन जाएगा। जहां पर भी आपको देखो कि नहीं है, तो ऑप्शन में भी आप वही क्वेश्चन को, मतलब वही ऑप्शन देखो जिसका आंसर नहीं में, तो नहीं नहीं मिला के प्लस हो जाएगा, मतलब आपको एक नंबर दिला देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, एक टीचर के रूप में आप क्या करोगे, ये 16 में आया हुआ है क्वेश्चन है। देखो अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, नहीं, इससे बच्चा तो सीखेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप उसको बस एक्सरसाइज दे दोगे तो थोड़ी उससे सीखेगा। नेक्स्ट है, बच्चे को निष्क्रिय अधिगमकर्ता मान लेंगे, आया ना वर्ड निष्क्रिय अधिगमकर्ता, ये भी नहीं है क्योंकि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं ना कि पैसिव लर्नर। नेक्स्ट है, अच्छे प्रदर्शन करने वालों से तुलना करेंगे, आया तुलना, मतलब दोनों बच्चों में कंपेयर करना, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, कारणों का निदान कर उपचारी कदम उठाएंगे, मतलब उन बच्चों में पता करेंगे कि बच्चे आखिर मैथ का प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको पता करके हम उस सॉल्यूशन देंगे उसका, तो ये आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया कि ऐसे ऑप्शन को किस तरह से, मतलब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। नेक्स्ट देखो फिर एनसीएफ से क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता है। देखो ऑप्शन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निगेटिव है क्वेश्चन, नहीं होता है, तो ऑप्शन में हम वही खोजेंगे जो कि निगेटिव है, जहां बच्चे पहला जिज्ञासु एवं करके सीखते हैं, ये आपका पॉजिटिव है, बच्चे जिज्ञासु करके सीखते हैं। दूसरा है, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव है ना, आया ना, दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखना पॉजिटिव है। तीसरा है, विभिन्न संदर्भ में अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते तथा हल करते हैं, देखो विभिन्न संदर्भ में हमने अभी बात की थी कि जहां भी डिफरेंट कंटेक्स्ट की बात आए और अर्थपूर्ण हो, तो वो कैसा है, पॉजिटिव क्या काम करते हैं, है ना। देखो हम लोग को पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस कुछ कुछ वर्ड्स को अगर पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं, आया ना, कंठस्थ करना यानी मेमोराइज करना, रटना, जो कि आपका निगेटिव है यानी गलत है, निगेटिव है आपका। रोट लर्निंग को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना, एनसीएफ तो बिल्कुल इस चीज को नहीं कहता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था नहीं होता है यानी निगेटिव था, तो निगेटिव और निगेटिव यानी कि निगेटिव पर निगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक नंबर। समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन को, निगेटिव वाले ऑप्शन को कैसे आपको डील करना है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका देखो सीटेट 2012 में पूछा गया है कि कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज, जहां पे मल्टीलिंगुअल है, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए पहला यहाँ पे कि बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, डिस्करेज करती है, बिल्कुल नहीं, ये तो और उल्टा इनकरेज करेगी बच्चों को, है ना। बच्चे अलग अलग लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे, उनके विचारों को खुद ग्रहण करेंगे, अपने विचारों को आदान प्रदान होगा, तो ऐसे में बच्चे का क्या होगा, हतोत्साहित नहीं करती है बल्कि इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है।
नेक्स्ट है सहपाठियों में भेदभाव को बढ़ावा देती है, ये भी आपका गलत हो गया। भेदभाव को बढ़ावा कैसे देखिए, देखो भेदभाव वर्ड ही आ गया तो आपका निगेटिव है, ये तो और उल्टा आपको भेदभाव को कम करेगी। आप मेरा कल्चर जानो, हम आपका कल्चर जानते हैं, आप मेरी भाषा समझो, हम आपकी भाषा समझेंगे, तो इससे क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो भेदभाव को बढ़ावा तो बिल्कुल नहीं दी। थर्ड है आपका भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, बिल्कुल सही, एक संसाधन आया ना वर्ड, संसाधन के रूप में प्रयुक्त होना, ये सही है। फिर भी नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को रोजगार एवं उच्च अंक प्रदान करने में सहायता देती, आया ना रोजगार उच्च अंक, ये वर्ड क्या हो गया आपका निगेटिव, ऐसा बिल्कुल नहीं करती है, तो संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट में बताओ कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए, यानी ऐसी एक्टिविटीज में लगाना चाहिए जिनमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, ऑप्शन बी लड़के और लड़कियों को अलग से समझाना, ऑप्शन सी पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, या ऑप्शन डी केवल सृजनात्मक कार्यों में अवसर प्रदान करना। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, और इन इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड्स को यूज करके आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो, बहुत आराम से उसको बता सकते हो और एक अच्छे टीचर बन सकते हो इन फ्यूचर। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज आप इनकरेज करो, और हाँ लाइक या सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, मे बी किसी एक बच्चे का रिजल्ट हो जाए, है ना। हम लोग सब एक अच्छे होप के साथ सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।